या बसे अम्मी सारे 24 घंटा हुए रहे दाओ आज जिम वाद रहे मैं भील हूँ गांव मेरा बंबा रहा है आल निवासी जैसलमेर सिटी के अंदर रहा हूँ मैं पूर्व पार्षद भी हूँ मैं दलित जिलाध्यक्ष भील समाज का भी हूँ ये दिनांक 3 मई का रात का खेताराम सनोप पिताजी प्रभुराम जी भील निवासी बंदरा का 30 तारीख को ये ट्रैक्टर ये जेसीबी का ऑपरेटर था जीनियाली गांव तेज सिंह भाटी के पास में ये जेसीबी चला रहा था 3 तारीख को रात को ये इनका घटना हुई है तो 3 तारीख से लगा करके आज तक हमने 1 माह तक पूरे प्रशासन के तहत में चोटन डिप्टी से SHO गर्डा SP डिप्टी सभी से प्रशासन से हमारे से टाइम मांगा गया था कि हम 5 दिन की टाइमिंग दो 5 दिन के अंदर आपको समाज को वास्तविक की चीज़ जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हम शाम के सामने के पेश करेंगे कई झांसा हमने हमारे को समाज को दिया लेकिन उस बातों से ये लिपापोते में आज की पुलिस लगी हुई 1 माह तक हम उनका प्रशासन का इंतजार करते रहे एक ताकि प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको 0 मिला तभी हम मजदूर होकर के यहाँ के कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया हम ये समाज ये चाहते हैं कि जो परंपरा जो गरीबा न्याय हमें मिले खेताराम की हत्याकांड के जो चाड़ी गांव के 4 भील हैं 2 जीनियाली के राजपूत हैं उनको तत्काल में लेकर के पुलिस प्रशासन पकड़ के उनका खुलासा तब तक नहीं होगा जब तक हमारी समाज का आंदोलन जारी रहेगा और भी जैसलमेर से जोधपुर समाज से जितने हमारे समाज के लोग हैं अधिक से अधिक छत्तीस जातियों से भी हमारे अपील है अधिक से अधिक इस कार्रवाई के लिए हम इकट्ठे हो जाएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे अभी न्याय मिलने से पूर्व जो हमें हक मिलेगा उनके बाद में हमको संतुष्टि मिलेंगे तो ही उठेंगे नहीं तक तो हमारा धरना जारी रहेगा पुलिस आपका सहयोग क्यों नहीं कर रही इसके पुलिस इसमें से हमें लग रहा है कि 1 माह से हम पुलिस के पीछे से हम पीछा कर रहे हैं पुलिस को लिपा पोते में लगी हुई है पुलिस हमको कह रही जांच देखने की हम फील्ड में जा रही है वो सिर्फ टेबल पे ही कार्रवाई करती है टेबल को SHO उनकी रिपोर्ट देते हैं और वो डिप्टी देते हैं DISP को DISP कलेक्टर SP को देते हैं SP कलेक्टर को प्रशासन में एक ही चाल चल रही है सिर्फ SHO गर्डे के अंदर वो एक ही कहानी रचा के बैठा है वो उस कहानी पे ये प्रशासन गुमराह हो रहा है रियल की उन व्यक्तियों को छह को पकड़ करके और पुलिस अपनी अपने रूप के अंदर उन व्यक्तियों को पूछने चाहते तो आज ही इनका खेताराम का कांड का आज ही खुलासा हो जाता है पुलिस किसी के दबाव में आकर ऐसा कर पुलिस हमें लगा सूत्रों से पता कि पुलिस इस केस में लिपापोते में लगी है इस वजह से ही पुलिस दबी हुई आपने इस संबंध में ज्ञापन कब दिया है ज्ञापन तो हमने 5 दिन के से पहले दिया था उनको कि भाई 2 तारीख का हमें कोई संतोषजनक नहीं मिला तो हम 2 तारीख को धरना जारी देखिए कल की तारीख 2 तारीख थी 2 तारीख को कलेक्टर हमने ज्ञापन दिया है और टेंट भी हमने धरने के जारी कर दिए हैं और आगे के लिए कार्रवाई ये चलती रहेगी जब तक हमको गरीबा नाव नहीं मिला कानून की प्रक्रिया से कोई नहीं मिला तब तक आंदोलन और भी ज़्यादा हम छेड़ सकते हैं